मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात करूंगी जो आपसे, मुझसे, हमारे बच्चों से, हम सबसे जुड़ा हुआ है। हमारे देश की संस्कृति रही है कि हमें प्रकृति ने जो भी दिया है हम वही खाकर अपना पेट भरते हैं। किसी जीव की हत्या करना और मांस खाना ये हमारी संस्कृति नहीं है, फिर भी जाने अनजाने हम लोग मांस खा रहे हैं। कुछ विदेशी कंपनियां चॉकलेट, पिज्जा, चिप्स आदि कई चीजों में मांस का रस नाम बदलकर मिला देती हैं, क्योंकि भारत सरकार फूड डिपार्टमेंट के नियमों के अनुसार जो पैकेट में है उसके घटकों के नाम आपको पैकेट पर लिखना जरूरी है। इसी कारण विदेशी कंपनियां डायरेक्ट मांस का नाम ना लिखकर कुछ कोड लिख देती हैं और अपना सामान बड़े बड़े फिल्म स्टार, क्रिकेटर, मॉडल्स इनसे प्रचार करवाकर भारत के बाजारों में बेच रहे हैं। और साधारण भारतीय इन बड़े बड़े फिल्म स्टार को, क्रिकेटर को, मॉडल्स को देख के कि हाँ ये कुछ गलत नहीं बेचेंगे, ये मेंटेलिटी रख के हम उसे खरीद लेते हैं, तो ये बहुत गलत हो रहा है। अभी मैं आपको कुछ कंपनियों के नाम और कौन से प्रोडक्ट में किसका मांस है कुछ समथिंग आपको जानकारी दूंगी। और इसमें सबसे बड़ा रोल है मीडिया का, जो कभी किसी का सच नहीं बताती है, वो सिर्फ पैसे खाती है। किसी मीडिया ने कभी बताया कि नेस्ले कंपनी खुद मानती है कि अपनी चॉकलेट किट केट में बछड़े के मांस का रस मिलाती है? मीडिया ने कभी बताया कि मद्रास हाई कोर्ट में फेयर एंड लवली कंपनी पर जब केस किया गया था तब कंपनी ने खुद माना था कि करीम में सुअर की चर्बी का तेल मिलाते हैं? मीडिया ने कभी ये बताया कि विक्स दवा यूरोप के कितने देशों में बैन है, वहां इसे जहर घोषित किया गया है, पर भारत में सारा दिन टीवी पर इसी का एड चलता रहता है? मीडिया ने कभी ये बताया कि लाइफ बॉय ना एक बाथ सोप है ना ही एक टॉयलेट सोप है, जानवरों को नहलाने की सोप है? यूरोप में लाइफ बॉय से कुत्तों को बात करवाते हैं और हमारे यहाँ भारत में 9 करोड़ लोग इससे रगड़ रगड़ के नहाते हैं। मीडिया ने कभी ये बताया कि कोक पेप्सी एक टॉयलेट क्लीनर है और ये साबित हो गया इसमें 21 तरह के अलग अलग जहर हैं। और तो और संसद की कैंटीन में कोक पेप्सी बेचना बैन है और पूरे देश में धड़ल्ले से बिक रही है। मीडिया ने कभी ये बताया कि हेल्थ टॉनिक्स बेचने वाली ये विदेशी कंपनियां बूस्ट, कॉम्प्लेन, हॉर्लिक्स, प्रोटीनक्स इन सब का दिल्ली के एम्स, जहां भारत की सबसे बड़ी लैब है, वहां इन सब का टेस्ट किया गया और पता लगा कि सिर्फ मूंगफली की खली से बनते हैं। मतलब मूंगफली का तेल निकालने के बाद जो वेस्टेज खल बचती है ना, जिन्हें हम पशुओं को देते हैं, उससे बनता है, उससे ये हेल्थ टॉनिक बनाकर बेचते हैं। मीडिया ने ये कभी बताया कि अमिताभ बच्चन का जब ऑपरेशन हुआ था और 10 घंटे चला था तब डॉक्टर ने उनकी आंत, बड़ी आंत निकाल दी थी और डॉक्टर ने कहा था कि ये कोक पेप्सी पीने के कारण सड़ी हुई है, और अगले ही दिन से अमिताभ बच्चन ने इसका विज्ञापन करना बंद कर दिया था और आज तक कोक पेप्सी का विज्ञापन नहीं किया। अगर अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार इसका विरोध कर रहे हैं तो आप सोच लीजिए कि ये कितनी घटिया चीज है, लेकिन बाकी सुपरस्टार्स, वो सुपरस्टार नहीं है, वो तो बेकार स्टार है जो ऐसी घटिया चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। मीडिया अगर ईमानदार है तो सबका सच एक साथ दिखाए। और आजकल लोग पिज्जा बड़े मजे लेके खाते हैं, उन्हें बड़ा टेस्ट आता है। चलिए पिज्जा पर भी एक नजर डाल लेते हैं। पिज्जा बेचने वाली कंपनियां पिज्जा हट, डोमिनोज, केएफसी, पिज्जा कॉर्नर, पापा जॉन्स पिज्जा, कैलिफोर्निया पिज्जा किचन, साल्स पिज्जा, ये सब कंपनियां अमेरिका की हैं। आप चाहे तो विकिपीडिया पर देख सकते हैं। पिज्जा में टेस्ट लाने के लिए 631 नाम का एक
कोड है वो तत्व मिलाया जाता है, वो सुअर के मांस से बनता है। और इस बात को आप चाहो तो गूगल पर सर्च करके देख सकते हो, और सही लगे, सच लगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। सावधान मित्रों, अगर आप खाने की जो पैकेट हैं और उन पे जो मैं अभी कोड बता रही हूँ वो कोड लिखे हुए देखें तो उनमें समझ लीजिए कि ये मांस मिला हुआ है। 3-2 गाय का मांस, 4-2 एल्कोहल, 4-2 एल्कोहल और केमिकल, 4-1 गाय का मांस और एल्कोहल, 4-6 एल्कोहल, 4-1 गाय और सुअर के मांस, 6-7 घातक केमिकल जो हमारी जान के लिए बहुत नुकसानदायक है, 4-7 गाय सुअर बकरी के मिक्स मांस, 6-1 सुअर की चर्बी का तेल। ये सभी कोड आपको ज्यादातर विदेशी कंपनी जैसे चिप्स, बिस्किट, च्युइंगम, टॉफी, कुरकुरे और मैगी आदि में दिखेंगे। ध्यान दें, ये अफवाह नहीं है, ये बिल्कुल सच है। और अगर मुझ पे विश्वास नहीं है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हो। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे हम चुटकुलियां बेचते हैं, उसकी जगह हो सके तो मेरा वीडियो शेयर करें ताकि लोगों को पता चले हम हिंदू हैं। और बहुत सारे हिंदू भी मांस खाते होंगे, मैं नहीं खाती, मेरी फैमिली नहीं खाती, लेकिन इनडायरेक्टली नॉलेज की कमी की वजह से हम मांस खा रहे हैं, वो भी उनका जिन्हें हम गौ माता बना के पूजते हैं। मैं तो आज के बाद अपने घर में कोई भी पैकेट की मैगी, चिप्स, विदेशी कुरकुरे वगैरह कुछ नहीं रखने वाली, कुछ भी नहीं। विदेशी ऐसे भी मैंने बैन कर दिया था, लेकिन चिप्स बच्चों के मन के लिए ले आती थी, लेकिन अब नहीं। और देश के लिए मैं कुछ संदेश देना चाहती हूँ। यदि भारत के 121 करोड़ लोगों में से 10% लोग प्रतिदिन 10 रुपए का रस पिए, फलों का रस पिए, तो महीने भर में होता है लगभग 3600 करोड़। और अगर हम कोका कोला या पेप्सी पीते हैं तो ये 3600 करोड़ रुपए देश के बाहर चले जाएंगे। कोका कोला, पेप्सी कंपनियां प्रतिदिन 7000 करोड़ से ज्यादा लूट लेती हैं। आपसे एक विनती है कि आप गन्ने का जूस, आम का जूस, नारियल पानी ये सब खाएं पिएं और ये अपनाएं, ताकि 7000 करोड़ रुपए बचाकर हम अपने देश के किसानों को दे सकें, किसान आत्महत्या नहीं करेंगे। जगह जगह किसान आत्महत्या कर रहे हैं। पीछे मेरे पापा भी किसान हैं, मूंगफली की फसल खराब हो गई थी, लेकिन अगर वही पैसे हम बचाकर किसानों को देंगे तो वो रोएगा नहीं, आपको दुआ देगा। फलों के रस के रोजगार से 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाएगा, और जो गिलास 10 रुपये में मिल रहा है वो 5 रुपये में मिलेगा। दोस्तों, स्वदेशी अपनाओ और राष्ट्र को शक्तिशाली बनाओ। कोका कोला, मैगी, फेंटा, कार्नियर, लोरियल, हगीज, नोकिया, किटकेट, स्प्रिट, 80% लोगों ने इसे इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। इनकी आधी से ज्यादा ब्रांच बंद हो चुकी है, इसलिए इन कंपनियों की मार्केट में भाव भी गिर गए हैं। तो आप स्वदेशी अपनाइए और राष्ट्र को, किसान को शक्तिशाली बनाइए। और एक प्रण लीजिए आज कि आप आज के बाद किसी भी विदेशी कंपनी के प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।